पहुंचे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ग्रामीणों का हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोहो गांव में 11 और जनपद में अब तक कुल 17 लोगों की बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ कहा आप देखिए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने पूर्व समय समीक्षा की पूरे प्रदेश की, और जहाँ जहाँ ये जो मौसमी बुखार है, वायरल है, डेंगू है, बरसात में कई तरह के बीमारियाँ रहती हैं, उनमें से डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए, सब लोग गर्म पानी का सेवन करें, मच्छरों से बचाव हो, फॉगिंग हो, दवा का छिड़काव हो, ये सब प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी लगातार फॉगिंग की और सफाई का अभियान चल रहा है। जो भी ये घटनाएं हुई हैं बहुत दुखद हैं, हमारी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बीमारी को कैसे हम रोकें उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी का विजिट ग्राम कोह में हुआ और मैं भी आज यहां पर तीसरी बार आया हूं। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी या CMO, उनकी भी लगातार विजिट्स गाँव में रही हैं। गांव में साफ सफाई, सैनिटेशन, फॉगिंग, एंटी लार्वा जो स्प्रे है वो लगातार होता रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग पिछले हफ्ते 10 दिन से ये गतिविधि चल रही है। मोबाइल OPD के माध्यम से घर घर सर्वे कराकर और मेडिसिन भी बांटी जा रही हैं, जानकारी भी ली जा रही है उनके फीवर के संबंध में। जो घरों में खड़ा पानी है वो ना रहे, इस चीज़ के बारे में लगातार घर घर अनाउंसमेंट्स करके भी, मुनादी करके भी और लोगों को जागरूक करके इंश्योर कराया जा रहा है। खबर गोरखपुर के महुआ डाबर गांव से है, जहां गांव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई।